नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का एकेडमिक ईयर कब से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो का टॉपिक कुछ इस तरह से, रिगार्डिंग कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ टीचिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ फॉर द एकेडमिक ईयर 2021। इसके लिए उन्होंने बेसिकली इसके पहले जो 3 सर्कुलर निकाले थे उनका रेफरेंस लिया है, और उन्होंने क्या बोला है कि यूनिवर्सिटी इश्यूज फॉलोइंग गाइडलाइंस टू कंडक्ट थियरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस इन ऑफलाइन मोड। अभी मैं इसको क्या करूँगा, पीजी कोर्सेस, यूजी कोर्सेस, ऐसे इसको डिवाइड करता हूँ। जैसे पीजी जो कोर्सेस है कि जिसमें कुछ प्रैक्टिकल है, समर इंटर्नशिप है, डिजर्टेशन है, तो वो उन्होंने कहा है कि 11 जनवरी से वो क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कौन से स्टूडेंट्स का, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, फार्मेसी है, मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम शाल बिगिन फ्रॉम 11 जनवरी, ऐसा कहा है उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में। लेकिन सेकेंड पॉइंट में क्या कहते हैं कि द प्रैक्टिकल डिजर्टेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट थेरी रिक्वायर्ड क्लासेस ऑफ ऑड सेमेस्टर ऑफ सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स ऑफ आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम शाल बिगिन फ्रॉम 11 जनवरी। द थेरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ ऑड सेमेस्टर ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम शाल बिगिन फ्रॉम 11 जनवरी। द थेरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ इवन सेमेस्टर ऑफ ऑल प्रोग्राम्स। अभी उन्होंने क्या किया है कि इवन सेमेस्टर, अभी जो और सेमेस्टर चल रहा है, इसके बाद का जो सेमेस्टर रहेगा वो क्या होगा, ये सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद इमिजिएटली स्टार्ट होने वाला है। लेकिन आप ये कैसा होगा, UGC, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और लोकल अथॉरिटी के गाइडलाइन के हिसाब से वापस वो स्टार्ट होगा। अभी UG प्रोग्राम्स, PG प्रोग्राम्स ख़त्म हो गए। UG प्रोग्राम्स में भी उन्होंने सेम कहा है कि सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, एजुकेशन, इनके भी क्लासेस क्या होने वाले, 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ ऑड सेमेस्टर ऑफ सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ऑफ साइंस कोर्सेज शैल बिगिन फ्रॉम, जैसे BSc में है वो, इतने भी BSc का जो भी कोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, आपका 11 जनवरी से स्टार्ट रहेगा। उसके बाद आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, कम्युनिकेशन, इनके भी उन्होंने क्लासेस बोले कि 11 जनवरी से स्टार्ट होंगे। द प्रैक्टिकल ऑफ TY BA एंड TY BCom एनुअल पैटर्न इफ अप्लीकेबल शाल ऑल्सो बिगिन फ्रॉम 11 जनवरी इन ऑफलाइन मोड। थेरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ इवन सेमेस्टर, यहाँ पे भी उन्होंने सेम पॉइंट रखा है कि ये सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू योर लोकल अथॉरिटीज़। अभी फर्स्ट ईयर PG एंड UG ऑफ नॉन प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, इसमें क्या कहा है उन्होंने कि जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं लगती है, ठीक है, वो जो प्रोग्राम्स है फर्स्ट ईयर PG और UG के, वो क्या होंगे, 11 जनवरी से स्टार्ट होंगे। अभी कमेंसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ UG फॉर फर्स्ट ईयर हुज एडमिशन वर नॉट मेड अंडर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई गवर्नमेंट महाराष्ट्र और कंप्यूटर अथॉरिटी शैल बिगिन फ्रॉम 11 जनवरी। इसमें क्या कहा है कि PG और UG प्रोग्राम्स जो है जिसको CET नहीं लगता है वो क्या होगे, 11 तारीख से स्टार्ट होगे। उसके बाद फर्स्ट ईयर ऑफ PG एंड UG ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम, जैसे इंजीनियरिंग रहा तो उसमें क्या होगा कि जिसमें CET के थ्रू एडमिशन होता है वो क्या करने वाले हैं कि उसका डेट डिक्लेयर करने वाले, ऐसे उन्होंने बोला है। MPhil और PhD के लिए जो रिसर्च वर्क होता है वो 11 जनवरी से ऑफलाइन मोड में स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस आपके कुछ इतने ज़रूरी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।